लेकिन बोल्ड में अगली अहम खबर रक्षाबंधन के त्योहार के मुताल्लिक इसे लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। करीब 700 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन राखी 30 अगस्त को बांधनी है या 31 को, इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और सावन की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:59 से शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन इस दौरान भद्रा का साया भी रहेगा जो 30 अगस्त रात 9:02 तक रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। यानी कि आप 30 अगस्त को रात 9:02 से 31 को सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। वहीं करीब 700 साल बाद रक्षाबंधन त्योहार पर सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का पंच महायोग भी बन रहा है। इन ग्रहों की स्थिति से बुधादित्य, वासरपति, गजकेसरी और शशि योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पंच महायोग में की गई खरीदारी और नए काम की शुरुआत शुभकारी साबित होती है, जबकि भ्रातृ वृद्धि योग बनने से भाइयों का सुख, समृद्धि और सुरक्षा बढ़ती है। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में क्या हुआ, अब जल्दी से वो भी देखिए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रौनक दिखी। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 64,997 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर 19,306 पर क्लोज हुआ। रक्षाबंधन से पहले आज सोना महंगा हुआ, चांदी सस्ती हुई। प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,730 रही, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 73,691 रुपए पर कारोबार किया। जियो 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर एयर फाइबर लॉन्च करेगा, यानी बगैर तार के फास्ट ब्रॉडबैंड। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी की कंपनी की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ऐलान किया गया। जियो फाइबर एक दिन में 1,50,000 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ये फिजिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की तुलना में 10 गुना तेज होगा। मुकेश अंबानी ने AI से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि AI हर जगह हर किसी के लिए होगा।